कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो जल ही जीवन है ये तो सही है, लेकिन लोगों को जल नहीं मिलता है। शहर में हाहाकार मच जाता है, छोटे बड़े जो तालाब हैं उसको भू माफियाओं के द्वारा भरा जा रहा है, तो जल का संग्रह कैसे होगा और जब गर्मी आएगी तो लोगों को जल कैसे मिलेगा। सरकार की कई एजेंसी कार्य कर रही है, चाहे बुडको हो, PHED हो, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो सभी विभागों का कार्य शैली पर लोग सवाल उठाते हैं। जल समस्या को लेकर लोग आंदोलन करते हैं। दरभंगा नगर निगम किस प्रकार से कार्य करती है, एक कहावत है कि ये पब्लिक है सब जानती है, लेकिन शहर में जिस प्रकार से जल संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है इसको लेकर हमने दरभंगा नगर निगम के स्थायी समिति के सदस्य शशि चंद पटेल, मोहम्मद अब्दुल्ला एवं दरभंगा नगर निगम के महापौर मुन्नी देवी से बात की, तो इन लोगों ने दरभंगा नगर निगम की जल संकट को लेकर लंबी लंबी बातें तो कही। इन्होंने यहां तक कह दिया कि PHED को 61 लाख रुपया दिया गया है, शहर में हर वार्ड में दो दो चापाकल गाड़े जाएंगे PHED के द्वारा। वहीं हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि विगत दिन दरभंगा के जिलाधिकारी के साथ जल संकट को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि दरभंगा नगर निगम द्वारा PHED को राशि मुहैया करा जाए। इसी के आलोक में दरभंगा नगर निगम के द्वारा राशि मुहैया कराया गया है। अब देखना यह है कि इन लोगों ने जो बात कही है और जब गर्मी दस्तक दे चुका है और लोगों को कितना पानी मिलता है तो समय ही बताएगा। जिस प्रकार से लोग बात कर रहे हैं इससे लग रहा है कि दरभंगा में इस बार जल संकट की समस्या नहीं रहेगी, लोगों को पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। अब तो समय ही बताएगा कि क्या समस्या होती है शहरवासियों के लिए। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा की एक खास रिपोर्ट। सुबह में उठते हैं, जनता के कांटेक्ट ही में रहते हैं, हम ही नहीं हमारे जितने भी वार्ड पार्षद है वो जनता के कांटेक्ट में ही रहते हैं और जनता के जो हित की बात होती है उसके लिए लगातार हम लोग लड़ते भी हैं। समस्या फिर क्यों होती है तब? समस्या थोड़ा बहुत तो आना जाना रहता है, हम उसका समस्या अगर हम लोग के संज्ञान में आएगा तो उसका तुरंत उस पर कार्रवाई करके उसका निदान किया जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं हम लोग। क्या अभी भी आपके वार्ड के लोगों को पाइप के माध्यम से पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अभी सबसे बड़ी बात है कि जो भी लॉ कॉलेज में जो मोटर जो अभी स्थापित हुआ है वो पानी जो है चेक हो रहा है, ठीक है, और हमारे वार्ड में अभी पूरे कहीं भी पानी उस रूप से नहीं आ पा रहा है ये पता है, और लीकेज चेक हो रहा था, लीकेज बन भी रहा है, और लॉ कॉलेज में जो मोटर बैठा है अभी उससे जो पानी सप्लाई होगा तो हमको लगता है कि सप्ताह भर के अंदर में सभी नया जो कनेक्शन बुडको के माध्यम से हुआ है पानी का सप्लाई होना है। अभी भी जनता को सप्ताह भर जूझना पड़ेगा? नहीं, अभी जो पुराना पाइपलाइन जो था हम लोग का उसमें जो हमारे नगर निगम हमारा तत्परता दिखा के जो चालू करवाया गया उससे कुछ राहत तो है। बैठक में ही हम लोगों ने जल पर ही, जल संकट पे ही हमें हम लोगों ने चर्चा किया कि हम लोग कितना तैयार है इस बार का जो टेम्परेचर है जिस पे ये इस बार हम लोग कितना हम लोग तैयार हैं, नगर निगम किस तरह से हम लोग अपने जनता को सुविधा दे सकें। इसलिए हमारे लोग की तैयारी जो है जब सिटी मैनेजर के थ्रू पता चला कि हमारे पास कुछ जल का टैंक भी है जो अगर कहीं संकट आता है तो हम जल के टैंक के माध्यम से भी पहुँचाएँगे, प्लस जितने भी इसके रिलेटेड जितने भी अधिकारी यानी कि जो हमारे ये हैं बुटको PHED सब लोग के साथ बैठक हुई और सबको कहा कि भाई अल्टीमेट दिया गया कि इतने दिन के अंदर अपने काम को अंजाम दिया जाए। अभी एक वन वीक पहले जो है DM साहब के साथ मीटिंग हुई मेयर महोदया को कि PHED कह रहा हाथ उठाया कि हमारे पास राशि नहीं है, हमारे पास राशि नहीं है, हम कैसे काम करें, जितने भी चापाकल हैं हम लोग नहीं कर सकते। तो मेयर महोदया और DM साहब के अनुशंसा पे नगर निगम ने 61 लाख रुपया PHED को दिया। अब हम लोग को चौकस रहना है कि ये पैसा गबन न हो जाए, इस पैसे को सही से जनता के बीच में लगे, इस पे हम लोग को जितने भी टीम है इसको चौकस रहना है और हम लोग देखते हैं कि कितना सुविधा जनता को पानी संकट में हम लोग दे सकते हैं। PHED से इस राशि का हिसाब लेंगे? बिल्कुल, हम लोग जब दिया है सबके जिला अधिकारी के नज़र में है ये पैसा और प्लस नगर निगम से जा रहा तो हम लोग तो सवाल करेंगे ही और एक एक पैसे का हिसाब करेंगे। क्या आप स्पॉट निरीक्षण करेंगे कि कहाँ कहाँ चापाकल गड़ा गया और कहाँ PHED काम कर रही है और क्या समस्या है शहरवासी को? बहुत लापरवाही हो रही है। PHED कह रहा है कि हमने जो है हम काम कर रहे हैं लेकिन उसके पास टीमें नहीं है, एक दो टीम है, घिसा पीटा टीम है जिससे वो काम कर रहा है, कई जगह किया है, रिपोर्टिंग दिया है, अभी आया 100 कुछ का रिपोर्टिंग आया है जो हम लोग इस पे जांच करेंगे कि कितने जगह इसकी सच्चाई क्या है, कितने जगह काम किया है।
शहर में डंपिंग ग्राउंड को लेके लगातार समस्याएं हो रही है। कचरा गिरता है शहर का डंपिंग ग्राउंड के पास, कभी कभी नहीं भी गिरता है, जिस कारण समस्याएं उत्पन्न होती है शहरवासियों को। दो दो जगह मेरा डंपिंग ग्राउंड है और दोनों जगह जाकर के देखे हैं। उधर थोड़ा रुकावट था बाईपास में, तो वहाँ का गेहूँ कट गया है, वहाँ जगह फ्री हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और कल हम यहाँ भी गए थे सारा मोहनपुर में जाकर के देखे हैं। थोड़ा रास्ता ऊँच नीच है मगर अच्छा है, बहुत जगह है जहाँ मेरा शहर का कचरा गिर सकता है, आ गिर रहा है। हम तो यही देखें, दोनों जगह फ्री हो गया। इधर दो रोज नहीं उठा था, थोड़ा दिक्कत था, परसों से कचरा फिर शहर का जा रहा है। क्या कारण था नहीं उठने का? वही डंपिंग ग्राउंड का कुछ लफड़ा था, वो सही हो गया है और दोनों जगह है जो कचरा गिर सकता है। अब बरसात आने वाली है, अगर शहर में इस प्रकार की समस्या रहेंगी कचरा को लेके, डंपिंग ग्राउंड नहीं रहेगा तो कचरा नहीं गिरेगा, तो फिर शहरवासी क्या करेंगे? डंपिंग ग्राउंड काहे नहीं रहेगा, है तो रहेगा ही और कचरा गिरेगा ही, कोई गंदगी के समस्या नहीं रहेगा, मेरा शहर चकाचक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गर्मी दस्तक दे चुकी है, लगातार शहरवासी जल संकट को लेके धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, नगर निगम हो या PHED हो या बुडको हो, शहरवासी को जल चाहिए। नगर निगम के द्वारा क्या कार्य योजना है इस गर्मी के सीजन में? हम लोग के बैठक हुआ था 11 तारीख को नियम साहब के यहाँ, हमारे नगर आयुक्त साहब थे, नगर विधायक थे, डिप्टी मेयर थे, हम थे। हुआ है जो हर एक वार्ड में दो दो चापाकल, जो खराब हो चुका है उसी के बगल में गराएगा, दो दो चापाकल एक से लेकर 48 वार्ड तक गरेगा, जिसका हम लोग पैसा नगर आयुक्त के थ्रू जा रहा है। और किस विभाग को जा रहा है पैसा? PHD को जा रहा है, PHD को पैसा जा रहा है। उस पर हम लोग का काम है चढ़ाई करके 10 दिन के अंदर चापाकल का। जो खराब चापाकल है उसका क्या है? जो खराब है होने ही वाला नहीं है, उसी के बगल में ये दो चापाकल गड़ेगा, आ जो खराब है वो ठीक हो रहा है और जो बचा हुआ है वो भी ठीक हो रहा है। अभी तक कितने चापाकल ठीक हो चुके हैं, क्या जानकारी है आपके पास? 178 चापाकल ठीक हो चुका है, आज जो बचे हुए हैं सो ठीक हो रहा है। आपने इसकी कभी भौतिक सत्यापन या औचित निरीक्षण किया है? हाँ, किए हैं। किस वार्ड की बात करते हैं आप? 22 में किए हैं, 11 में किए हैं, 40 में किए हैं, बहुत ऐसा वार्ड है जो वहाँ किए हैं। चापाकल ठीक है, पानी? हाँ, चापाकल ठीक है और पानी आ रहा है। पब्लिक अगर शिकायत करेगी तो उसके समस्या का समाधान कैसे होगा चापाकल मामले में? हम लोग करेंगे, नगर निगम करेगा, DM साहब करेंगे। लेकिन पैसा तो आप दे रहे हैं PHED को? हाँ, दे रहे हैं, तो उस पर हम लोग लग करके करवाएंगे, 10 दिन 15 दिन के अंदर ये कल गड़ जाएगी।